पश्चिम बंगाल के गंगा सागर के एक मेले में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत की खबर बताई थी हमने अपने दर्शकों को। इसमें अपडेट ये कि 10 लोगों को जो घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में केंद्र सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 50,000 के मुआवजे का ऐलान घायलों के परिजनों को। आपको बता दें कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूर पर दक्षिण 24 परगना जिला है, जहां पर सागर द्वीप पर हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। यह हादसा गंगा सागर के कुचुबेरिया इलाके में हुआ है, जहां हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहां पर शनिवार को मकर संक्रांति पर करीब 16 लोगों ने स्नान किया है। इस हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि नाव पर चढ़ने के दौरान एक शख्स नीचे गिर गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग गए। हादसे की सूचना मौके पर जब पता चली तो एनडीआरएफ पुलिस की टीम ने पहुंचकर बचाव किया। बचाव कार्य अभी भी जारी है। गंगा सागर को कुंभ मेले के बाद देश का ये सबसे दूसरा बड़ा मेला जाना जाता है, जहां पर ये स्टैम्पीड ये भगदड़ हुई है, जिसमें 6 लोगों की जान गई है, 10 लोग से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं किया और टाइड आने के बाद ऐसा घटना हुआ, ऐसे सुना। जो गंगा सागर से भी मेरे पास 2-4 फोन आया था, लेकिन सरकार ने सही कदम उठाता, सही बंदोबस्त करते तो ऐसा घटना नहीं होता। इसके लिए हम चाहते हैं कोई एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और उस जांच का बाद जो दोषी पाया जाएगा उन अधिकारी को दंडित किया जाए, आगे चल के ऐसा घटना ना हो, ये दुखद घटना का पुनरावृत्ति ना हो, ये देखना चाहिए। नकीमुद्दीन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए, ताजा हालात बताएं, क्या आपको दिख रहा है इस वक्त? यहाँ पर तो ये हुगली का सीज है, वहाँ पर भाटा चल रहा है, कोई नाव यहाँ पर नहीं आते, वहाँ पर नहीं जाते, लेकिन वहाँ पर जो डेड बॉडी में हॉस्पिटल में रहती है, वहाँ पर जो तीनों मिनिस्टर यहाँ पर है तो टोटल तदारकी करना है। जे बॉबी हाकिम और मंदुराम पाखीरा और अरूप विश्वास, तीनों मंत्री ऐसा यहाँ स्पॉट में गया था, गया वहाँ पर बातचीत कर, और तो जो उन्डेड हुआ था वो आदमी को सर हॉस्पिटल बात किया, अगर वही दोबारा आएगा तो वही जो जो मारा गया था वो आदमी को लेके पोस्टमार्टम कर लेनी है, हॉस्पिटल में आएंगे। और बाकी यहाँ पर जो आदमी खड़ा है और दिखते जैसे जा रहा है, जा रहा है आ रहा है, वो सब स्टॉप हुआ है, लेकिन कोई ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है। एवं जो यहाँ पर लोकल प्रशासन है वो थोड़ा सा काम में लगा है। रात की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें, आप देखिए कि किस तरीके की स्टैम्पीड के बाद वहां पर माहौल बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस बल, सुरक्षा बल सब मौके पर मौजूद हैं।